आप वकील हैं? हाँ। अच्छा मैं तो एंकर हूँ। कुछ मत बोलना, ऐसा ना हो ना कि सब कुछ खराब हो जाए। कभी हाथ के खाने खाते हैं, कभी हाथ के भाई दो दो हाथ खाते हैं। अच्छा लॉयर तो मेरा तो बड़ा फेवरेट है। सच्ची? फिर तो ठीक है, तो ये अल्लाह करे कि आपको लॉयर ही मिल जाए। हमको प्यार हुआ है, पूरी हुई दुआ। नहीं अभी तक कैसे एक भी नहीं मिला। अगर आप लोगों के साथ हो कोई तो बता दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा राव और आप देख रहे हैं खबरें टीवी। नाज़रीन हाजिर हूँ आज भी एक कॉमन सेंस के मज़ेदार सवाल के साथ। सवाल कुछ यूँ है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप खुश्की में नहीं खा सकते, उसे खाने के लिए आपको समंदर में उतरना पड़ता है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं, और मैं जानती हूँ यहाँ पर आए हुए लोगों से। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सईद अदनान। अदनान साहब क्या करते हैं? मेरा नाम सिद्रा राव, मैं तो वकील हूँ। आप वकील हैं? हाँ। अच्छा मैं तो एंकर हूँ। कुछ मत बोलना, ऐसा ना हो ना कि सब कुछ खराब हो जाए। अच्छा क्यों? हाँ। क्या खराब? हाँ? अच्छा लॉयर। हाँ। तो मेरा तो बड़ा फेवरेट है। सच्ची? फिर तो ठीक है, तो ये अल्लाह करे कि आपको लॉयर ही मिल जाए। हमको प्यार हुआ है, पूरी हुई दुआ। चले आमीन आपकी। हाँ। बेस्ट विशेस के लिए। आप बताएंगे कैसा जा रहे हैं आजकल, कैसे जा रहे हैं? कोई नहीं अभी तक कैसे एक भी नहीं मिला। अच्छा। अगर आप लोगों के साथ हो कोई तो बता दे। हाँ, कर लेते बताएंगे। हैं हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा इनिशियल स्टेप है। अच्छा। इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे क्या होता है। अच्छा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। वकील होने के अलावा आपकी और क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपको क्या क्या पसंद है? मुझे तो और जो है ना मेडिकल फील्ड में भी हूँ मैं। अच्छा। हाँ वो भी जो है ना हैंडल कर रहा हूँ, और बिजनेस में मेरा बड़ा लगा हुआ है। ज़बरदस्त, क्या लगा हुआ? बिजनेस में लगा हुआ है ना। बिजनेस में लगाओ है, जबरदस्त। क्या कर रहे हो आप ये जो है ना मूव? वो स्यापा हो रहा है, उधर कर लेते हो। वो बस स्यापा हो रहा है, वो थोड़ा सा स्यापा हो रहा है। तो क्या करें। चलो बताएंगे आपकी फेवरेट फूड कौन सी है? फूड खुराक। खुराक में? हाँ। वो तो मैंगो है। मैंगो है। अच्छा पकाने में जो चीजें पकती हैं आग पे पकती हैं वो वाली बिंगन। वाओ। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो खुश्की में आप नहीं खा सकते, आपको खाने के लिए समंदर में जाना पड़ता है। खुश्की में? सॉरी, खुश्की में आप नहीं खा सकते, आपको समंदर में जाके खाना पड़ता है। ऐसा क्या है? बैंगन तो नहीं होगा? बैंगन तो नहीं होगा, और बादाम भी नहीं है। बादाम आप खुश्की पे खा सकते हैं ना? हाँ लेकिन बादाम हर जगह पे खा सकते हो? नहीं। हाँ। वो चीज़ जो है ना जो मैं पूछ रही हूँ वो आप खुश्की पे खा नहीं सकते। हुँ। वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पानी में जाके खाना। पानी? मछली? मछली कच्ची खाते? हाँ ना कच्चा तो नहीं खाते, फिर उसको ही खाते थे ना? नहीं ना, उसको फिर पका के खाते हैं ना। नहीं तो कच्चा ही ना, वो सिर्फ आप पानी में ही खाएंगे ना। लेकिन वो पानी के अंदर ही खाएंगे आप। तो आप ही बता दे, मुझे तो कुछ पता नहीं है। सोचे ना आप, आपका दिमाग तो बहुत ज्यादा सुबह से सोच सोच के जो है ना सब कुछ खराब हो गया है। सब कुछ खराब हो गया, ये तो कयामत की निशानी लग रही है ना। गुम ना। चले थैंक यू। हाँ थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? शुक्र करे अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद साहब कैसा जा रहा है कारोबार आपका? कारोबार मंदे हैं जब का इमरान खान आया है। ओहो, क्या करें, बस क्या करते हैं, बच्चे भी साथ हैं, इनको घुमा फिरा रहे हैं साथ साथ। हाँ ये आज घूमने आए हैं, छुट्टियाँ हैं स्कूल की ना। कितना एंजॉय करवाया है इनको? माशाल्लाह सुबह से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा सुबह से क्या क्या खाया पिया इन्होंने? माशाल्लाह इन्हें बर्गर खाए, चिप्स खाए, चाट वगैरह खाई है, फ्रूट चाट खाई है। आपकी जेब खाली करवाई है मतलब? बस इधर कमाते हैं, इनको खिलाते जा रहे हैं, दुकान पे आ गए ना अभी। तो ये बताएं कि आपकी फेवरेट फूड कौन सी है, सी फूड समंदरी कौन सी वाली फेवरेट फूड है? मैं तो वैसे सादे ही खाने ज्यादा पसंद करता हूँ। मछली पसंद है? मछली माशाल्लाह हमारे जाती फार्म है सिंध में, वो जाहिर है हमारी पसंद की ही है। आप सिंध से हैं? जी हाँ। अच्छा मछली बना भी लेते हैं आप? मछली बना भी लेते हैं। अच्छा जबरदस्त, कैसे बनाते हैं? माशाल्लाह बड़ी टेस्टी बनाते हैं। फिर तो इनकी वालदा भी बड़ी अच्छी बनाती होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, वो तो देख रही होंगी आपको तो कहेंगी जबरदस्त, मेरी तो तारीफें हो रही हैं, वैसे तो ऐसे होता नहीं होता। हाँ बिल्कुल, भाई की वालदा की बात कर रहे हैं?
आपकी, इन बच्चों की ना, इन बच्चों की। माशाल्लाह जी बिल्कुल, वो अच्छी कुकिंग करती हैं। फिर तो आप उनके हाथों के खाने के बड़े ही शौकीन होते हो। फिर उनके हाथों के खाने खाने के बंदा रह जाता है, उसके बाद फिर और क्या करेगा। क्या बात है, चलें घर जाते हैं जब थके हारे, तो फिर बेगम के हाथ का टेस्टी खाना खा के तो आपकी थकान दूर हो जाती है। इंशाल्लाह इसी तरह ही होता है, कभी हाथ के खाने खाते हैं, कभी हाथ के भाई दो दो हाथ खाते हैं। आजकल मोहतरमाओं का दौर है। अच्छा? हम तो आपको पता है बाहर के हैं, बाहर आते हैं सुबह रात को जाते हैं भाई। बस सारे मर्दों का एक ही रोना है, एक ही रोना है हकीकत सीरियसली। अच्छा जी, तो ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप खुशकी में नहीं खा सकते, उसे खाने के लिए आपको पानी में जाना पड़ता है। पानी में जाना पड़ता है, वो मछली ही है। मछली है नहीं, बंदे को खुद पानी में उतरना पड़ता है। आप उस चीज़ को ना वहाँ खुश्की पे खा ही नहीं सकते, आपको खाने के लिए ना पानी में समंदर में आपको उतरना पड़ता है। टिप्स दे दें दो चार, आप बताएं ना कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप खुश्की पे नहीं खा सकते ना। मैं तो ताजर हूँ, आप मुझे तो कोई इस तरह की कोई सवाल करें जो तजारत का हो। अभी आपने ऐसा कर दिया है तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाए ना। देखिए आपने कहा कि आप ताजिर हैं ना, शाम तक ऐसा दिमाग हम लगाते हैं कि इस टाइम रहता ही कुछ नहीं दिमाग। आपका दिमाग तो ज्यादा चलना चाहिए ना, लोग आते हैं बार्गेनिंग करते हैं सब कुछ। जेबें कतरने के लिए हमारा दिमाग ज्यादा चलता है लोगों की जेबें भी कतरती हैं, जाहिर इसी तरह होता है ना जी। चलें जी, वो कहते हैं कि कम प्राइस में मिल जाए, आप कहते हैं कि हम कहते हैं ज्यादा पैसे मिल जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, आपका नाम? मेरा नाम कयूम। नाम सब क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बेले आदमी है। बेले क्यों है, ऐसा क्यों है? महंगाई बहुत है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। बस महंगाई करूँ ना तो नहीं रोते थे ना, कुछ भी कर सकते हैं आप इंटरटेनमेंट के लिए, मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए। कोई भी ऐसा काम बंदा कर सकता है, ज़रूरी तो नहीं होता ना कि कोई ना कोई प्रोफेशन ही आप करें या कुछ भी करें। उसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बस कुछ नहीं, क्या करें हम, इमरान खान ने महंगाई बहुत की है, नौकरियां देता नहीं है, 12 पढ़ा हूँ। तो फिर उसके अलावा भी ना आपको खुद भी स्ट्रगल करनी पड़ती है ना, कोई घर पे आके तो थोड़ी ना देता है। सही बात है, ये बात तो ठीक है, पर इसको चाहिए महंगाई। हाँ नहीं, अल्लाह पाक भी उस टाइम आपकी मदद करते हैं जब आप खुद हाथ पैर हिलाते हैं, तब जाके तो आपका वो बिकॉज़ है। ये बात, मैं तो गाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, देख लिया ना, अभी बता दिया आपने, निकलवा लिया। बात है ना, आपने अभी कहा था कि आप वेले, अभी आप कह रहे हैं कि आप गाड़ी चलाने में कौन सी बात है। ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, हलाल की जो आप रोजी कमाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है, हलाल का आप खाते हैं तभी काफ़ी होता है। अच्छा ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप खुश्की में नहीं खा सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ समंदर में जाके या दरिया में कहीं भी या पानी में जाके। क्या चीज़ समझे, ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप खुश्की में नहीं खा सकते, आपको खाने के लिए समंदर में जाना पड़ता? मछली है। मछली की बात है, पकी बात है। मछली को कच्चा खाते हैं, जैसे ही समंदर में उतर क्या करके खा लिया? कच्चा तो नहीं खाते, पका के खाते हैं, पका के खाते हैं। नहीं, ये तो वो बात तो आप कहीं भी जाके एकदम से खा लेते हैं। बाकी जो भी चीज़ ले लो पास, जो भी खा लो, दाल हो गया, छोले हो गए, कुछ फ्रूट खा, धोखा कुछ भी जाके खा लो। ये सही बात है। चलें, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? कमर। कमर साहब क्या करते हैं आप? जी ये काम करते हैं शॉप पे। शॉप पे काम करते हैं, उसके अलावा क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं अपने आप को खुश करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या की एक्टिविटीज़ होती हैं? नथिंग स्पेशल, बस यही होता है, काम काज करते हैं और तो कुछ भी। काम के अलावा भी तो होता है ना, संडे होता है, फिर अपने इंजॉय करते हैं घर पे, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ भी। बच्चों, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, उनको तो फिर घुमाते फिराते भी। हाँ जी। कौन सी फेवरेट प्लेस है? बस ये लेक व्यू वगैरह, पब्लिक पार्क वगैरह, इस तरह के प्लेसेस। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में और कौन सी ऐसी प्लेस है जो आपको बहुत पसंद है और कभी आप गए ना? वैसे तो मुझे जो जगह पसंद है वो कश्मीर है, और मैं कश्मीर जाता रहता हूँ अक्सर। अच्छा। बाकी कोई ऐसी जगह है नहीं, बाकी आउट ऑफ कंट्री भी घूम फिर के आया हुआ हूँ, दुबई गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, इंडोनेशिया गया हुआ हूँ, तो घूम फिर के आया हूँ आगे पीछे। तो फेवरेट सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पर लगा था? मलेशिया। मलेशिया में वहाँ पर ऐसा स्पेशल क्या था? मलेशिया में वहाँ पे बस गेंटिंग, हाईलैंड, ये वो आगे पीछे घुमा फिरा, वो जगह अच्छी थी। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी नहीं, पाकिस्तान से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त। ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप खुश्की पे नहीं खा सकते, उसको खाने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ता है? इसका तो कोई नहीं पता ही, थोड़ा सा पता करके खाना पड़ता है, पानी में उतर के खाना। बिल्कुल सही, खाना पड़ता है, उसके अलावा तो आप नहीं खा सकते हो। बिल्कुल सही आंसर।
ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या नाम है आपका? सागर नाम है मेरा। सागर साहब क्या करते हैं? इधर सेल्समैन शॉप पे। अच्छा, तो इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं ज़िंदगी में? खुश रहने के लिए क्या कुछ करते हैं? खुश रहने के लिए बस दूसरों को खुश रखते हैं। खुश रखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। ऐसे तो दूसरों को हमेशा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है, जैसा नुकसान में पड़ जाता है। सही है, एग्जैक्टली। तो दूसरों को भी खुश रखा जाता है और यही एक बहुत अच्छी सोच है, अच्छी थिंकिंग है। ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कितनी काम करती है? बहुत करती है। बहुत करती है, कितनी ज़्यादा? 60% करती है। चलें तो हम आपका ले लेते हैं छोटा सा टेस्ट, ठीक है? ये बताएं कि वैसी कौन सी चीज़ें जिसको आप खुश्की में नहीं खा सकते हैं? आप उसको खाने के लिए समंदर में या पानी में कहीं भी जाना? गोते। गोते? पक्की बात है? पक्की बात। गोते को खाते होते हैं? तो लगते हैं जब वो बंदा खा रही होता है ना पानी के। अच्छा, गोता खाता है कोई? बिल्कुल गोते लग रही होते। और क्या होता है? और भी कोई चीज़ हो सकती है, सोच ले। जो सिर्फ पानी में बना जाके खाते हैं? पानी में आप खाते? कल भी परेशान था। ये भी हो सकता है ना, बंदा बारिश से कोई चीज साथ पानी में लेके जा अंदर जाए। नहीं नहीं, वो वहीं पे जाके खाते हैं आप। कोई पता नहीं इसका। नहीं पता, आपने सही बताया था। तो सही जो आंसर है इस सवाल का वो है गोता। गोता? हाँ, गोता खाने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ता है। नहीं, ये तो आपने सवाल को मरोड़ दिया। गोता तो बंदा उस टाइम खाता है जब बेचारा तिर ना सका। हम तो तिरने वाले, हम कैसे गोता खाएं, ये बताएं मुझे। ये भी सही है, लेकिन फिर भी गोते खाने के लिए ना पानी में उतरना। बंदा जो होता है ना वो गोता खाता है, जो बंदा तारी सीखा होता है वो गोता नहीं खाता। इसलिए सवाल को थोड़ा सा अच्छा करें। अब देखिए ना, मुझे भी तो नहीं आता। हाँ तो बस फिर आपने गलत सवाल करके फिर आपने गलत ही जवाब। नहीं नहीं नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता ना, तो फिर मैं तो गोता ही खाऊंगी। अच्छा, अपने लिए आपने सही सवाल किया, ठीक है। थैंक यू अल्लाह ने। जी नाज़रीन, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। मैंने भी बहुत इंजॉय किया, आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। तो जो सवाल मेरी जानिब से किया गया था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप खुशकी में नहीं खा सकते, आपको खाने के लिए समंदर में या पानी में जाना पड़ेगा, वो है गोता। दीजिए अपनी मेज़बान से ज़रा राव को इजाज़त। अल्लाह ने गेबान।